जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल के आशा के जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं डू एस डायरेक्टेड के इन 6 सवालों को, जहां पर दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपके साथ वायदा किया था कि हम कम से कम डू एस डायरेक्टेड के 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, और क्लास ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लास ट्वेल्थ का वह एग्जाम, वह बोर्ड एग्जाम जो 2023 में होने वाला है, उसके लिए सभी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो का पार्ट 3 है, और दोस्तों मैं 150 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा, 150 प्रश्नों का एक सीक्वेंसिंग लेकर आऊंगा। तो आप क्रम से सारे वीडियोस देख लीजिए, एक एक करके अपनी एक अलग से नोट्स बना लीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर कर पाए। हाँ, इस बात का वादा जरूर रहेगा दोस्तों, इस बात का वायदा अवश्य रहेगा कि डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इन्हीं 150 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी डू एस डायरेक्टेड के सारे क्वेश्चन। तो अच्छे से गौर से वीडियो देखिए, और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी के आज का यह वीडियो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, इस सवाल को मुझे नेगेटिव में चेंज करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूं कि किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं नॉट, नॉट के बाद लिखते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद दोस्तों हम लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं बेहद आसानी के साथ। तो पहला सवाल है वी डिड, हमने पहचाना दोस्तों वी डिड इट, और हम जानते हैं कि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों डन। तो जब भी हम डिड की बात करते हैं तो डिड सेकंड फॉर्म है, और यदि सब्जेक्ट के बाद किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो हमने इसको बनाना शुरू किया, सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमें मिला वी, वी के बाद दोस्तों हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, तो हमें पता है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया, We did not। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, पूरी इंग्लिश में यदि कभी भी दोस्तों do, does या फिर did आ जाए तो आपको हमेशा और हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और किसी भी फॉर्म का यूज नहीं करना है। तो हमने यहाँ लिखा we, ये लिखा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद दोस्तों मेन वर्ब। तो मेन वर्ब डिड की मेन वर्ब हम क्या लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म के रूप में डू, और डू के बाद दोस्तों हमने लिख दिया इट। तो ये पहले सेंटेंस का आंसर हमें मिल चुका है, वी डिड नॉट डू इट। तो फर्स्ट सेंटेंस का निगेटिव हम करेक्ट बना चुके हैं, वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, सवाल सेकंड का आंसर देखते हैं। लिखा द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विद हाउ मच, हाउ मच के साथ आपको क्वेश्चन बनना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी मैं दोस्तों इस मच की बात करता हूँ ना, तो इस मच के बाद दोस्तों हमको डेफिनेटली नाउन मिलेगा, यानी मच ऐसा ऐसा एडजेक्टिव है, सुनेगा मच को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, और मच एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद दोस्तों हमको अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलता है। यदि इंग्लिश में कभी मच आता है तो उसके बाद आपको ऐसा नाउन यूज करना है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन यूज करना है। तो चलिए हम इस सवाल को आपके साथ देख लेते हैं क्या है। तो हमने कहा हाउ मच के बाद हम नाउन का यूज करेंगे, तो हमने लिखा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, यहाँ तक हमने कर लिया। फिर हमने इसको देखा कि द सर्वेंट गेव, गेव गिव की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और अगर हम क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं तो पास्ट के इंडेफिनिट के लिए हम डिड का यूज करेंगे। तो हाउ मच डिड, हाउ मच डिड यू, हाउ मच डिड, हाउ मच मिल्क डिड यू गिव, डिड यू गिव। तो हमने इसको क्या लिखा, हाउ मच मिल्क डिड यू गिव। तो बहुत आसानी से सवाल बन गया, हाउ मच मिल्क डिड यू गिव, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। ठीक है, इस तरह से हमने इस सवाल को बना लिया, हाउ मच मिल्क डिड यू गिव। तो आपने उत्तर दिया सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, रश्मि क्राइड फॉर वाटर चेंज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सवाल नंबर थर्ड को दोस्तों हम देखते हैं, सवाल नंबर थर्ड कह रहा है रश्मि क्राइड फॉर वाटर चेंज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब दोस्तों होती है इज एम आर,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। इच का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एम का प्रयोग दोस्तों आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखा है रश्मि, सब्जेक्ट में कोई बदलाव होगा नहीं, तो रश्मि सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और कॉन्टिन्यूअस में किसी भी आई एन जी फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज होगा, तो रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर। तो ये सवाल भी बन गया, ये सवाल भी बन गया दोस्तों। सवाल नंबर जो इस सेकंड है, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करने की जरूरत है। सर्वेंट भी लिखा था, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट, आप कर लीजिएगा, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ऐसा कर लेंगे दोस्तों आप, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। हाउ मच डिड द सर्वेंट गिव यू, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, चेंज द वॉइस, वॉइसेस चेंज करना है। वॉइसेस चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और देखिए कौन से टेंस का ये एक्टिव वॉइस है, तो ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमने इसको पहले सब्जेक्ट में रखा, बुक्स के साथ हमने आर लगाया, बुक्स आर बीइंग, इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया, बुक्स आर वी कलेक्टेड वाई, और हमने क्या लगा दिया, वी का अस। ये देखिए आसानी से इसका वॉइस बन गया। फिफ्थ सवाल पर चलते हैं। द वेगर वॉन्ट गो अवे, यू विल गिव हिम सम मनी, कंबाइन द सेंटेंस विद अंटिल। सबसे पहली बात दोस्तों, अंटिल वाले सेंटेंस के साथ आपको कभी भी दोस्तों नॉट का यूज नहीं करना है, ये पहली बात। तो जब इसको बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे द वेगर वॉन्ट गो अवे, इसके बाद जहां पर फुल स्टॉप है यहां पर आप अंटिल लगा दीजिए, बाकी का सेंटेंस वही रहेगा, यू विल गिव हिम सम मनी। तो इसका राइट आंसर होगा द वेगर वॉन्ट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ आई ड्यूरिंग टाइम, चलिए इसको दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 6 को चेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो आप इसको लिखेंगे I had a lot of time during the exam। तो ये सवाल दोस्तों आसानी के साथ हल हो गया, यानी आज हमने फिर 5 ड्यूएस डायरेक्टेड के, इवन 6 क्वेश्चंस कर लिए ड्यूएस डायरेक्टेड के, और ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, बस नोट्स बनाते चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।